मैं मयंक अग्रवाल बिहार किशनगंज महाविमार्ग रोड का निवासी हूँ। मैंने स्कूलिंग बालमंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है और मेरा इस वर्ष CA फाइनल क्लियर हुआ है। मेरी नर्सरी क्लास से स्कूलिंग बालमंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशनगंज में हुई है और 12th के बाद मैंने CA की CPT का एग्ज़ाम दिया था सिलीगुड़ी से, वो जो 2015 में था। उसके बाद CA में जैसे 3 लेवल होते हैं, CPT, IPCC और फाइनल। तो 2016 नवंबर में मैंने IPCC क्लियर किया था बोथ ग्रुप और मेरा फाइनल्स था। एक ग्रुप मैंने 2019 में क्लियर किया और एक ग्रुप 2020 में मैंने क्लियर किया। फैमिली में तो जैसे 4 जन हैं हम लोग, मम्मी भाई छोटी बहन है और मैं हूँ, और बाकी कज़न ताऊजी लोग हैं, प्रदीप भैया लोग हैं, संदीप भैया लोग हैं और चाचा लोग भी है। और फाइनेंशियली अगर जाऊँ तो मतलब पापा का डेथ होने के बाद थोड़ा दिक्कत आया था। एक बार तो पापा जाने के बाद बहुत बड़ी दिक्कत आ गई थी घर पे, फाइनेंशियली बहुत बड़ी दिक्कत आ गई थी। और पापा का डेथ तो एक्चुअली एक्सीडेंट हो गया था। 10 साल हो गए हैं पापा को अभी इस पर। पापा LIC एजेंट थे, यहाँ पे LIC ऑफिस में पापा अच्छे पोस्ट पे थे। CA का एग्ज़ाम कितना टफ होता है, किस तरीके से आपने इसकी प्रिपरेशन की? CA की जर्नी तो एक्चुअली टफ है, वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स है इंडिया में। और इसकी तैयारी जो भी है वो एक आसान नहीं है, 5 साल का परिश्रम होता है। बट ठीक है, अपने अगर लगन से करेंगे तो कभी ना कभी तो सक्सेस मिलता ही है। आगे का क्या आपका प्लान है, क्या सर? आगे मैं अभी जॉब की प्लानिंग कर रहा हूँ, बाकी जहाँ अगर प्रैक्टिस हो जाए तो प्रैक्टिस करूँगा या फिर जॉब हो जाए तो जॉब करूँगा। किशनगंज जैसे इलाके से जहाँ से आप आते हैं, यहाँ के युवाओं के लिए क्या संदेश देना? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी कोर्स करते हो, CA करते हो या फिर और कोई कोर्स, UPSC हो गया या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो, बस आपको एक लगन के साथ करना पड़ेगा। चाहे आपका फाइनेंशियल कंडीशन जो भी हो या फिर कोई सपोर्ट करने वाले हो नहीं हो, बस एक पीछे एक हेल्प चाहिए रहता है, एक मेंटली सपोर्ट हो या फिर वो फाइनेंशियली हो जो आपको हेल्प कर सके। और आप उस चीज़ में अगर लगन है तो आप आराम से कर सकोगे, वो चीज़ कोई दिक्कत नहीं है। खर्च वगैरह इसमें मतलब कितना आता है क्या? अप्रॉक्स 5 लाख का तो कॉस्ट है पूरी CA की पढ़ाई में, 5 लाख। हाँ अप्रॉक्स, उसके ऊपर जितना लग जाए अपने ट्यूशन लेने पे है, ट्यूशन लेने पे है और प्लस जितना अपने जिस हिसाब से रहे, जिस हिसाब से बाहर में एकोमोडेशन है उस हिसाब से। लास्ट कोई या बचपन का याद आप शेयर जो करना चाहें, जिससे आपको लगा कि नहीं इस ओर आने में आपको मदद मिला, या बचपन में कुछ और बनना चाहते थे अब नहीं? मेरा तो शुरू का ही था, 8th class से मेरे को था कि मेरे को CA बनना है। और मेरे को मोटिवेशन मेरे अकाउंट्स टीचर यहाँ पे बंटी हुआ, उन्होंने मतलब ज़्यादा करके ये मोटिवेशन ज़्यादा मुझको उन्हीं से मिला। स्कोप क्या है CA में, मतलब आप आगे आप अपना फर्म करेंगे ये करेंगे या इसमें किस तरह की नौकरियां मिल जाती हैं? आगे तो जैसे इसमें इंडस्ट्री का मतलब कंपनी वाइज भी जॉब मिलता है, ऑडिट फर्म भी है 3-4 इंडिया लेवल पे, वहाँ पे मिलता है। बाकी अपने भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं एक चीज़ अपने दोनों भैया लिख के बोलना चाहूँगा, संदीप भैया और प्रदीप भैया, वो मेरे कज़न्स है, बट वो कज़न नहीं एक फादर फिगर की तरह खड़ा होकर मेरे लिए अभी तक मैंने अभी पास किया है, अभी तक मेरे को गाइड करने वाले वो दोनों ही हैं। और वो लोग अगर नहीं करते तो उस समय पता नहीं मेरा क्या होता, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी, क्योंकि पापा जाने के बाद हम लोग का ऐसा कंडीशन था कि घर पे खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो वो लेके बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं और हर चीज़ में हर जगह अभी भी वो बहुत कर रहे हैं। आगे मेरा जॉब का भी है तो उनको पूरा मतलब वो हर चीज़ का दिमाग लगा रहे हैं, मेरे से CV भी मंगाए हैं अप्लाई करने के लिए। और बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि वो लोग अगर नहीं रहते तो फिर ये चीज़ मुश्किल था एक हिसाब से। वो लोग को मैं बोलता हूँ, वो लोग बोलते हैं ठीक है तुम्हारा मेहनत था, बट अंदर मेरे को ये बहुत बढ़िया से पता है कि एक तो दोनों भैया और ये मेरी मम्मी हैं, मम्मी अगर नहीं रहती तो शायद मेरे लिए नामुमकिन।